सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रदोष आरएस के एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विथ कोडिंग में। सो फ्रेंड्स, आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। सो जी हां, फाइनली हमें डेलाइट की तरफ से हाइक मिल गया है। कितना मिला है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। साथ में जो आपको हाइक मिलता है वो आपको किस मंथ में पता चलता है कि कितना हाइक आपको मिलने वाला है, और जो आपका अपडेटेड सैलरी है वो किस मंथ से आपको मिलता है, यानी कि जो अप्लाइड होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा जैसे जो आपका प्रमोशन ईयर होता है, जिसको हम डेलाइट में माइलस्टोन ईयर बोलते हैं, वो कौन डिसाइड करता है और किस बेसिस पे डिसाइड होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो बिना समय को गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हे गाइस, डेलाइट यूएसआई की तरफ से जो मुझे हाइक मिला है, मैं उसे आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूं, क्योंकि एक कंपनी का पॉलिसी का अगेंस्ट है। मैं आपको एक रेंज बताता हूं, साथ में मैं आपको हिंट कर दूंगा, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें कितना हाइक मिला है। ठीक है, सो वो जो रेंज है वो 12% से लेकर 25% के बीच में हमें हाइक मिला है, और वो जो एग्जैक्ट नंबर है वो 5 का मल्टीपल है। सो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे हाइक कितना मिला है, और अगर आपने गेस किया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मुझे हाइक कितना मिला है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जब मुझे हाइक मिला तो हमने अपने कुछ और दोस्तों से बात किया जो कि अलग अलग सर्विस बेस्ड कंपनी में है। हमारे कुछ दोस्त जो है इंफोसिस में है, कुछ लोग TCS में है, कुछ लोग कैपजिमनी में है, कुछ लोग कॉग्निजेंट में है। तो उनसे मैंने बात किया और मैंने हाइक के बारे में उनसे मैंने कुछ थोड़ा बहुत इनपुट लिया, तो उससे मैंने कंपेरिजन किया। तो मुझे लगा, मुझे जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया, और मुझे लगा कि डेलाइट का जो हाइक है और कंपनी से के तुलना में ये बेटर है। ठीक है, अच्छा खासा हाइक मिला है। सो इसके अलावा जैसे जो आपका बोनस, जो आपका जो बोनस सैलरी है, जैसे जो आपका जो जो आपका जब आपका ऑफर लेटर में आपको 10% का आपको बोनस लिखा रहता है, सो जो बोनस जो है वो आपको मई के सैलरी के साथ में आपको मिल जाता है, और जो हाइक है वो आपको मई के एंड में आपको पता चलता है कि आपको कितना हाइक मिलने वाला है इस ईयर में, यानी कि जो आपका नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसमें आपका जो अपडेट सैलरी है वो कितना होने वाला है, वो आपको मई के एंड में पता चल जाता है। और जो फ्रेंड्स, जो जून के सैलरी के साथ में आपका जो अपडेटेड सैलरी है वो आपको आता है। सो आई होप आपको ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, जो है माइलस्टोन ईयर, जिसको हम डेलाइट में माइलस्टोन ईयर बोलते हैं और वैसे हम लोग प्रमोशन ईयर बोलते हैं। ठीक है, सो जो आपका माइलस्टोन ईयर है वो आपके कोच और आपके टीम लीड डिसाइड करते हैं कि आपको जो आपको कौन सा ईयर में आपको प्रमोशन मिलने वाला है। ठीक है, ये जो प्रमोशन है आपके जो परफॉर्मेंस पे और आपके एक्सपीरियंस पे टोटली डिपेंड करता है। और जनरली क्या होता है कि जैसे एनालिस्ट, जैसे मैं एनालिस्ट हूँ और कंसल्टेंट के लिए हमको 3 साल के बाद मैं कंसल्टेंट में कन्वर्ट होऊंगा, और उसके 3 साल के बाद मैं सीनियर कंसल्टेंट में कन्वर्ट होऊंगा। ठीक है, जनरली ये पैटर्न है। बट बेसिकली अगर आपका जो परफॉर्मेंस अच्छा रहा, यानी कि एक्सीलेंट रहा, तो जहाँ जहाँ 3 साल का जो गैप है यानी कि एनालिस्ट से कंसल्टेंट के बीच में, वहाँ पे आपको 2 साल में ही आप एनालिस्ट से कंसल्टेंट बन सकते हैं अगर आपका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रहा तो। सिमिलरली आप कंसल्टेंट से सीनियर कंसल्टेंट 2 साल में बन सकते हैं जब आपका परफॉर्मेंस सही रहा तो। ठीक है, सो आपका जो कोच है, कोच जब आप डेलाइट को ज्वाइन करते हैं तो आपको उसी समय आपको एक कोच असाइन कर दिया जाता है, और आप जब प्रोजेक्ट में असाइन होते हैं उसमें आपको टीम लीड होते हैं। टीम लीड बेसिकली बोले तो आपका मैनेजर हो सकते हैं। आपके टीम में कोई मैनेजर नहीं है तो जो सीनियर कंसल्टेंट हैं जो आपको टीम को लीड कर रहे हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, जिनको आप स्नैपशॉट रेज करते हैं, सो वो जिनको आप स्नैपशॉट रेज करते हैं वो और आपके कोच दोनों मिलकर आपका माइलस्टोन ईयर आपका तय करते हैं कि कौन सा ईयर में किस बंदे का प्रमोशन होने वाला है, वो डिसाइड करते हैं। सो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।